So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 43 of the review lecture series of fluid mechanics. And in this lecture we are going to continue the topic types of fluid flow. This is basically the part 2 of this video, this topic types of fluid flow. If you want to continue this types of fluid flow, you can better to watch lecture number 42 so that you can grasp from the start of this topic. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के तीन क्राइटेरिया हमने देखा था। जैसे आपका पहला स्टेडी अनस्टेडी, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लूइड की टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक कर रहे थे कि कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ लिख लेता हूँ क्या क्या हमने कवर कर लिया है। हमने पहला कवर कर लिया है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक, इसके बाद दूसरा हम लोगों ने कवर किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, फिर तीसरा हम लोगों ने कवर किया था लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर भी थोड़ा देख लिया था कि रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। ठीक है, ये तीन हमारे पास हो गए थे। अगर आप इन तीनों को पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर 42 आप कर सकते हो, वहां पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, स्टडी एंड स्टडी में क्या होता है कि वेलोसिटी डेंसिटी प्रेशर एक्सेट्रा को हम चेक करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है कि नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म अनिफॉर्म हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसी गिवन लेंथ पे या किसी स्पेस पे जहां वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पे वो कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तीसरा आता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है उसको ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है कि वो फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रीम लाइन में जा रहा है, मतलब एक लेयर का पार्टिकल एक ही लेयर में है, स्ट्रीम लाइन मोशन प्रोवाइड कर रहा है और सारी स्ट्रीम लाइन आपस में पैरेलल होंगी, मतलब पूरा पूरा फ्लूइड एक तरीके से थिन शीट के फॉर्म में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो, मतलब एक यूनिफॉर्म फ्लो का एक तरीके से कि भाई सारे पार्टिकल अपने लेयर में लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं। टर्बुलेंट में क्या था कि वही इंटर जंपिंग होती थी कि टर्बुलेंसी आ गई है, एक लेयर का पार्टिकल दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथे में इस तरीके से इंटर जंपिंग करके वो आगे बढ़ रहा था। इसको निकालने के लिए डायमेंशनलेस नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू निकालते हैं कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपकी 2000 से कम आती है तो लैमिनार फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इसमें क्या है डेंसिटी के ऊपर हम लोग चेक करते हैं, बेसिकली इस फ्लो में हम लोग डेंसिटी चेक करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा फ्लो जैसे कंप्रेसिबल से आप क्या समझ सकते हो कि जिसको हम कंप्रेस कर सकते हो, जिसको हम लोग मतलब जैसे आपकी बाइक का शॉकर है, देखते हो ना कि जब कोई शॉक पड़ता है तो बाइक का शॉकर दब जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से कंप्रेसिबल है कि कंप्रेस भी हो रहा है फिर बैक भी आ जा रहा है। और इनकंप्रेसिबल मान लो कोई चीज आप कंप्रेस नहीं कर पाए, मान लो आपका पेन है, अपने पेन को आप दबाओगे नहीं दबाओगे, इनकंप्रेसिबल हो गया। लेकिन अगर कोई गैस होगी तो वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, अगर हम अपने फ्लूइड की बात करें तो जो भी गैसेस होते हैं वो सब के सब आपके कंप्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड में नॉर्मली आपको सब के सब एक तरीके से इनकंप्रेसिबल मिल जाएंगे। जैसे वाटर हो गया, वाटर एक तरीके से इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो अब कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल डिफाइन किससे करते हैं, तो ये डिफाइन होता है डेंसिटी के ऊपर। मतलब डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग सबको पता होगा डेंसिटी जिसको रो से लिखते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे डेंसिटी है मान लो
पानी है, उसकी डेंसिटी आ रही है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब वो फिक्स है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी पानी रख सकते हो, ठीक है। मान लो कोई आयरन है, कोई रॉड है, कुछ भी है, सबकी डेंसिटी होती है, मान लो कोई लकड़ी का ब्लॉक है उसकी डेंसिटी मान लो 600 है, 1 मीटर क्यूब में वो 600 केजी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये होता है डेंसिटी का एक्चुअल मतलब। तो अगर ये डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं कि इफ डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर डेंसिटी आपकी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अगर डेंसिटी आपकी कॉन्स्टेंट है तो इस पे क्या हो सकता है, मतलब कि जो उसका केजी पर मीटर क्यूब का रेशियो निकल के आ रहा है कि भाई 1 मीटर क्यूब में इतना केजी रख रहे हैं, तो वो हो गया उसकी डेंसिटी। अब इसका कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि वो चीज चेंज नहीं कर रही है, दैट इज कि वो चीज फिक्स है आपका, ठीक है। जैसे मैं ये बॉटल है, इसकी डेंसिटी फिक्स है, ठीक है, क्योंकि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस ये नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन इनकंप्रेसिबल मटेरियल कह सकते हो, ठीक है। सेम वैसे इसके अंदर जो पानी भरा है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि इंजेक्शन आप डॉक्टर यूज करते हैं उसको लेकर के आप उसकी नीडल निकाल दो, उसमें पानी पंप कर लो, ठीक है, और उसका जो ओपनिंग है उसको बंद कर दो हाथ से और प्लंजर प्रेस करो, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लोगे प्लंजर प्रेस नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि वो लिक्विड होगा, वाटर होगा, वो इनकंप्रेसिबल। मतलब क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी या इनकंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करता है उस फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वो हो जाएगा आपका इनकंप्रेसिबल। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये आपका हो गया इस तरीके से इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और अगर ये वेरी कर रहा है, इफ डेंसिटी Not equal to constant, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका compressible fluid, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, statement note करना हो तो लिख लो, compressible flow is that type of flow, compressible flow is that type of flow in which the density of fluid changes from point to point or in other words density is not constant, ठीक है। ये हो गया compressible fluid के लिए, कि अगर density point to point पे change कर रही है तो उसको आप कह सकते हो कि वो compressible fluid है, कि भाई जितना उसको pressure मिल रहा है उतना वो compress होते जा रहा है। Next लिखिए, incompressible flow is that type of flow, incompressible flow is that type of flow in which density is constant for the fluid flow, liquids are generally incompressible while gases are compressible, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि गैसेस जो होते हैं वो आपके कंप्रेसिबल होते हैं। ये सभी लोग देखे होंगे प्रैक्टिकली,
कि जो इस कमरे की पूरी एयर है उसको आप एक सिलेंडर में पैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बॉटल के पानी को जिसमें पानी रखा है इसको आप छोटे से बॉटल में पैक करो, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल है। लेकिन इस कमरे की एयर को आप इस बॉटल में पैक कर सकते हो कंप्रेस करके, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप लोग, कंप्रेसिबिलिटी इनकंप्रेसिबिलिटी का डेंसिटी वाला ये चलो नोट कर लो, फिर अगले वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। ये आपका चौथा था, पांचवे वाले पे आते हैं। पांचवा पॉइंट आपका है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। इसको मैं ऐसा समझा देता हूं आप लोगों को, रोटेशनल से आप समझ रहे हो कि जो चीज रोटेट हो रही है, इरोटेशनल मतलब जो चीज रोटेट नहीं हो रही, नाम तो क्लियर है। तो ऐसा कोई फ्लो हो रहा होगा जिसमें फ्लूइड पार्टिकल किसी स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग चलते हुए अगर रोटेट करते आगे बढ़ रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल फ्लो, और अगर बिना रोटेट किए आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। तो अब पहले जान लो स्ट्रीम लाइन क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रीम लाइन आप कह सकते हो कि जब कोई पार्टिकल कोई ट्रेवल करता है यहाँ से वहां तक तो वो उसका ट्रेस दिखाता है तरीके से, ठीक है, कि एक पार्टिकल जैसे यहां से निकल के वहां तक गया, मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक, ये यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे, तो ये जैसे जैसे गया होगा, ठीक है, वो पाथ दिखाता है। मान लो ये पार्टिकल यहाँ से निकला, ये ऐसे गया, इधर जा रहा है, ऐसे इस तरीके से ये ऐसे बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो ये इसकी हो गई स्ट्रीम लाइन। ये क्या दिखा रहा है कि ये पार्टिकल ट्रेवल कैसे किया है, मतलब अपना जर्नी कंप्लीट कर रहा है वो कैसे कंप्लीट कर रहा है। तो ये हो गया स्ट्रीम लाइन आपका, ठीक है, लाइन शो कर रहा है, ये आपका हो गया स्ट्रीम लाइन, ठीक। अब अगर ये पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है छोटा सा, ये ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, रिवॉल्व रोटेट करते हुए इस तरीके से, ठीक है, कि घूमते हुए अगर आगे बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा रोटेशनल फ्लो, और अगर ये पार्टिकल बिना रोटेट किए यहां से वहां पहुंच जा रहा है तो वो कहलाएगा आपका इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। बस इतना ही है कि कोई पार्टिकल स्ट्रीम लाइन के फ्लो के दौरान अगर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमते हुए आगे बढ़ता है
रोटेशनल फ्लो नहीं घूम रहा है सीधे जा रहा है, तो दैट इज इरोटेशनल फ्लो। इसको नोट कर लो, रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल, इन विच द फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीमलाइन, while flowing along the streamline, also rotates about their own axis, and if the fluid particle while flowing along streamline, do not rotate about their own axis, then that type of flow is called as irrotational flow। ठीक है, मतलब स्ट्रीम लाइन के दौरान ट्रेवल करते हुए अगर वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते आगे बढ़ता है तो रोटेशनल फ्लो, और अगर बिना रोटेट किए हुए अपनी स्ट्रीम लाइन पर ट्रेवल करते जा रहा है तो वो कहलाएगा आपका इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना हो तो दिखा देते हो कैसे रोटेट करते आगे बढ़ रहा है, तो रोटेशनल के लिए सीधे लाइन निकाल जाना कि स्ट्रीम लाइन पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो कि पार्टिकल इस तरीके से आपका ट्रेवल कर रहा है। इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गया होगा। अब इस पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो लास्ट है आपका, इसको लिख लीजिए छठवां पॉइंट है। एक मिनट सोच रहा हूँ, स्क्रीन साफ कर लूँ पूरा। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया चौथा, ये हो गया आपका पांचवा, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अब आते हैं छठवें पे, जो आपका है वन टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो, वन डी टू डी एंड थ्री डी फ्लो। ठीक है, ये प्रॉब्ली आप सभी लोग वन डी टू डी थ्री डी जानते होंगे। और ये लास्ट आपका फ्लूइड फ्लो का, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो इन सब में से कुछ ना कुछ फॉलो करके, भाई कोई ना कोई फ्लो करने का तरीका होगा, तो इन छह में से वो कुछ लेकर के चलता होगा। कोई एक हो सकता है, किसी दो कंडीशन हो सकता है, तो उस तरीके से वो चल सकता है अपना। ठीक है, ये बेसिकली वही है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो करने का तरीका क्या है, उसको हम इस छह कैटेगरी में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको सीरियस समझते हैं कि आप लोगों ने, जैसे आप लोग देखो तो आपने ये पढ़ा होगा कि x y z डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, x y और ये आपका हो गया z, तीन डायरेक्शन आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब फ्लो में हमारा मेन टास्क है कि वेलोसिटी को डील करना है इस यूनिट में, तो हमें क्या है कि तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए 3D फ्लो के लिए। तो देखो जो x की वेलोसिटी होती है उसको हम लोग u से लिखते हैं, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली y की वेलोसिटी को v से बनाया जाता है, ठीक, और z की वेलोसिटी को w से लिखते हैं, मतलब कि अगर कोई x में ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, वेक्टर वाले में कहीं नहीं आप लोग पढ़े होंगे x y z वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो i j k के आप लिखते हो आप लोग उस तरीके से, तो वही चीज है, x वाले के लिए u हो गया, y वाले के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट v होता है, z वाले के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट w होता है। ठीक है, u v और w। ठीक है, अब यहां पे जैसे आप सिंपल समझो ऐसे कि अब 1D 2D 3D क्या होगा इस रेफरेंस में। ठीक है, तो देखो अगर हम आते हैं इसमें पहले वाले पे, इसका पहला लेते हैं 1D फ्लो यानी वन डायमेंशनल फ्लो, तो इसमें देखो सिंपल ये होता है कि अगर जो उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो उसका पैरामीटर है जैसे वेलोसिटी, ठीक है, वो टाइम का फंक्शन हो, और अगर किसी एक स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, ठीक है, स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि फ्लो पैरामीटर सच वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, मतलब कि जो इसकी वेलोसिटी है अगर वो टाइम का फंक्शन हो, पहला बाय टाइम का होगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम आप निकालते हो, तो टाइम का फंक्शन होगा ही होगा वेलोसिटी, साथ ही साथ वो अगर किसी एक स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है तो उसको कहते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक ऐसे ही अगर कोई ऐसा फ्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किसी दो डायरेक्शन या दो स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो जाता है कि एक्स वाई का हो गया तो 2D फ्लो हो जाएगा, और अगर टाइम के साथ मतलब एक फंक्शन टाइम का होते हुए दूसरा फंक्शन तीन डायरेक्शन का फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई जेड का, उसको हम लोग बोल देंगे 3D फ्लो, मतलब कि अगर केवल x का फंक्शन है तो 1D फ्लो, x y का फंक्शन है तो 2D फ्लो, x y z का फंक्शन है तो 3D फ्लो। ठीक है, तो 1D में बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0, 2D में तीसरा 0 होगा और 3D में 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो
तो इसको अगर लिखना हो तो लिखो पहले वाले के लिए स्टेटमेंट, 1D फ्लो के लिए, वन डायमेंशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो पैरामीटर, इन विच फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, इन विच फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, ब्रैकेट में एक्स कर लेना, ठीक है। 1D को हमेशा एक्स में लेते हैं, 2D एक्स वाई और 3D एक्स वाई जरूर होता है, तो 1D यानी वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें ये रहता है, नीचे नोट करके लिख सकते हो कि द वेलोसिटी इज इन अदर टू डायरेक्शंस, द वेलोसिटी इज इन अदर टू डायरेक्शंस, ब्रैकेट में वाई एंड जेड, इज एज्यूम्ड निग्लेजिबल, इज एज्यूम्ड निग्लेजिबल, ठीक है। मतलब x में निकाले तो y z का हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, ऐसे हो जाएगा आपका 1D फ्लो के लिए u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इक्वल टू जीरो, w इज इक्वल टू जीरो, इस तरह आप इसको लिख सकते हो, वेयर u v एंड w, नोट करके लिख लेना, वेयर U, V and W are the respective velocity components, are the respective velocity components in X, Y and Z direction, where U, V and W are the respective velocity components in X, Y and Z direction, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, जो आपका है 2D flow, ठीक है। ये 1D flow था, 2D flow में क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा, लिख लो इसमें, it is that type of flow in which velocity is a function of time, in which velocity is a function of time and two rectangular space coordinates, two rectangular space coordinate, ठीक है। दो डायरेक्शन लोगे तो आप इसको एज ए रेक्टेंगल रीड कर सकते हो, एक्स और वाई को, टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट में एक्स एंड वाई, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन द थर्ड डायरेक्शन इज अज्यूम्ड निग्लेजिबल, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन द थर्ड डायरेक्शन इज अज्यूम्ड निग्लेजिबल, ठीक है। थर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, w इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, w इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसे हो गया कि भाई 2D में U और V होगा, W नहीं होगा, 1D में केवल U रहेगा, V और W जीरो हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज 3D फ्लो। ठीक है, तो जैसे 1D का डेफिनेशन था, जैसे 2D का था, वैसे ही 3D का भी क्या हो जाएगा कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 3 space coordinates. ठीक है, तो अगर 3D हो गया तो फिर क्या लिख सकते हो इसको आप लोग, ऐसे U is equal to F1 X Y Z, V is equal to F2 X Y Z और W is equal to F3 X Y Z। ठीक है, मतलब पहले वाले में 1 स्पेस था तो 1D में U आया, 2D में U और V दोनों आ गया, 3D में U, V और W तीनों आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1D, 2D, 3D हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसको नोट कर लो, U is equal to F1 XYZ, देख रहा हूँ ना कि जैसे जैसे वेलोसिटी में तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं तो फंक्शन तीनों का हो रहा है। देखो ये सिर्फ x का फंक्शन था, यहाँ देखो u x y दोनों का फंक्शन है, v भी x y दोनों का फंक्शन है, यहाँ u क्या है x का फंक्शन है, y का है, z का है, मतलब कि टाइम के साथ वो x y z तीनों का फंक्शन हो जा रहा है 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, ये 3D एनालिसिस वाला जो होता है बेसिकली जब कोई आपको रिसर्च वगैरह या एनालिसिस करनी होती है तब यूज करते हैं नॉर्मली, कि हम लोग कैसे इसमें ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जो एक्स वाई जेड वाला टर्म लेके चल रहे हैं ये ऐसे एनालिसिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए। अब इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि एक लाइन में सब में लिख पाया है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, तो नोट करके नीचे लिखो यहां पे, फॉर स्टेडी फ्लो, नोट करके लिख लो, फॉर स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी बिकम्स only function of space coordinates, for steady flow the velocity becomes function of only space coordinates। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर steady flow कह दिया जाता है तो आप ये जानते हो कि steady flow का मतलब हो गया कि time के respect में चीजें change नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा तो आप उसका फंक्शन भी उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब टाइम का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं वहां पे हो रहा है तो आप उसको एक तरीके से वहां पे काउंट नहीं कर सकते हो। तो अगर इसमें स्टेडी फ्लो दिया है तो जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो ये सब में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज ओनली फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम T1, T2, T3 लिखते सब में, तो अभी क्या है ये स्टेडी फ्लो के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ लिखते हैं at t is equal to 1 t1 ऐसे कुछ लिख के इसको प्रेजेंट किया जाता। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम इसको 3D, 2D या 1D में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने नोट करा दिया है कि अगर स्टेडी फ्लो कह देगा तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट वहां पे खत्म हो जाता है, सिर्फ हम स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर में 3 बताया था मैंने, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। आज के लेक्चर में 3 हो गए आपके, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो। तो टोटल आपके 6 तरीके की कैटेगरी हो गई कि इन 6 में से आप कोई भी फ्लो आप कराओगे तो इनमें से ही कुछ रहेगा।
ठीक है, ये स्टडी हो सकता है, अनस्टडी हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, कंप्रेसिबल हो जाए, मतलब मिलजुल के ही मित्र है, कोई एक हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई चार भी हो सकता है, फॉलो करके वो चल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फ्लो। इसको ऑब्जेक्टिव्स आपको ज्यादा मिले किसी कंपटीशंस में, कंडीशंस पूछते जाते हैं, एक्सेट्रा कंडीशन बता जाइए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया, नोट्स अच्छा बना लिया, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशंस में काफी काम आएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका रेट ऑफ फ्लो के ऊपर, ठीक है, जो अगला टॉपिक आपका डिस्चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं, तो कल उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 44 में, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।